Hello everyone, how are you all? This is me Isha Singh and welcome back to my channel once again. So again, this is going to be a very informative video. Um, in this video, I'm going to explain you all in a very simple words that what is Iran protest? What is the reason behind the protest going on in Iran? To know, keep watching my video till then. प्रोटेस्ट की पूरी कहानी शुरू होती है तेरह सितंबर को तेरह सितंबर को महशा अमीनी वहाँ की रहने वाली एक वीमेन को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तेहरान मेट्रो रेलवे स्टेशन से महशा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है वहाँ की पुलिस द्वारा अब क्यों किया जाता है द रीजन उनके डिटेन होने के इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत ईरान की पुलिस के बारे में भी जानना ज़रूरी है क्यों क्योंकि हम इंडिया में हैं ना तो वहाँ की जो पुलिस है वहाँ का जो थोड़ा सिस्टम है उसको जानना ज़रूरी बन जाता है एंड आप जब जानेंगे थोड़ा वहाँ की पुलिस के बारे में ना देन यू विल बी शॉक्ड सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट रीज़न जानने से पहले सबको सबसे पहले आपको ना वहाँ की पुलिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है तो आइए जानते हैं ईरान की पुलिस जिसको मोरल पुलिस भी कहते हैं वहाँ की भाषा में उसको गश्ते इर्शाद बोलते हैं जो कि 2005 में फॉर्म होती है गश्ते इर्शद या मोरल पुलिस जिसका मेन काम होता है वहाँ की वेमेन और उनके ड्रेस कोड पर चेक रखना जी हाँ आपने सही सुना ड्रेस कोड और विमेन पर चेक रखना सब शुरू होता है 1979 के इरानियन रिवोल्यूशन से इरानियन रिवोल्यूशन के बाद से ईरान एक इस्लामिक स्टेट बन जाता है अंडर द रूल ऑफ़ आयतुल्ला खुमेनी जिसके बाद से विमेन एंड उनके ड्रेस कोड के ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ जैसे इंपोजिशन्स जो वुमेन पे लगते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको अपनी हेड को कवर करके रखना होता है मिनिमल मेकअप या फिर लूज और लॉन्ग फिटिंग क्लोथ्स पहनने होते हैं ईरान की पुलिस के अकॉर्डिंग महशा अमीनी की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई बल्कि परिवारजनों और कुछ आई विटनेस के अकॉर्डिंग उनकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई पिटाई के कारण ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट मिल रहा है और यह अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गवर्नमेंट के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है एक तरफ ईरान में ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे भारत में हिजाब को स्कूल्स में पहनना चाहिए या नहीं इस पर बात हो रही है अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो पर लाइक तो बनता है एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें